ओके गाइस, तो यहाँ पे आज हम शेवरलेट एंजॉय डीजल मॉडल का एयर फिल्टर हम चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली आठ नंबर का एक स्पैनर है। तो उसे हमें फ्रंट वाले तीन स्क्रू रहते हैं उनको हमें निकालना है, सिर्फ स्क्रू रहते हैं, और बैक साइड में जो ऊपर वाला कवर है वो लॉक लॉक में अटका रहता है। तो हम अभी इन तीनों स्क्रू को निकालेंगे, ये देख सकते हो आप, मैंने तीनों के तीनों स्क्रू निकाले। अभी मेरा वॉइस ओवर चल रहा है क्योंकि हमारा एक्चुअल अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्लिप है उसको लूज करना है ताकि ये ऊपर वाला जो कवर रहता है वो हम आसानी से निकाल सके। ये वाला सेंसर है मैंने अभी जो जिसको हाथ लगाया था वो एयर फ्लो सेंसर है। ये देखिए, मैंने इसको साइड में किया, ये देख सकते हो आप। ओके, मैंने अभी उस कवर को एक साइड में रखा है। अब हम पुराना वाला एयर फिल्टर निकालेंगे। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा डस्ट या डस्ट पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल भी आप देख सकते हो। ये देखिए, ये पत्ते, पेड़ के पत्ते अंदर आ चुके हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फोर्स से इसका डस्ट निकालूंगा। एक्चुअली आज हम उसको रिप्लेस ही करने वाले हैं, लेकिन वीडियो के लिए मैंने ये अभी आपको दिखाया। ये देखिए, ये प्यूरोलेटर का नया एयर फिल्टर है शेवरलेट एंजॉय डीजल मॉडल के लिए। पेट्रोल मॉडल के अलग सा रहता है। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपका पेट्रोल मॉडल है तो। अभी ये कंपार्टमेंट है जहां पे हमारा पूरा बाहर का डस्ट या जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, कागज रहेगा या पत्ते रहेंगे, तो यहाँ पे अटक जाते हैं। अभी मैंने क्या किया, जो एयर इनलेट है, फिल्टर्ड एयर इनलेट है, उसमें मैंने एक कपड़ा डाला है ताकि जो अभी पत्ते वगैरह, धुआं वगैरह उड़ रहा है वो अंदर ना जाए, टर्बो से होकर अंदर ना जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये क्लॉथ है, हमने अभी अभी ऑयल चेंज किया है, तो क्लॉथ का थोड़ा बहुत ऑयल है और उसी वेट ऑयल वेट क्लॉथ से मैं ये पूरा कंपार्टमेंट क्लीन कर रहा हूँ। ऑयल से क्या होता है, पूरा डस्ट निकलती है वो कंपार्टमेंट की वॉल से, ये देख सकते हो अंदर पूरा, मतलब एयर इनलेट की पाइप में मैंने कपड़ा डाल के उसको साफ किया है। इसको, इस कंपार्टमेंट को आपको अच्छी तरह से साफ करना है ताकि हमारा जो नया फिल्टर है उसके अंदर इसका डस्ट ना रहे। आपको क्या करना है, हर 6 महीने में या हर 3 महीने में आपको ये वाला, अगर आप फिल्टर क्लीन करते हो ना, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज देगी। देखिए, मैं अभी नया वाला फिल्टर निकाल रहा हूँ। नया वाला फिल्टर निकालने से पहले मैं एक बार साफ करता हूँ पूरा कंपार्टमेंट व्हाइट क्लॉथ से। ये देखिए, साफ करने में कोई मतलब कंजूसी नहीं करनी है आपको। ये देखिए, इसके जो साइड में जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, वो रबर 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 टाइप है जो एयर टाइट वाटर टाइट रहता है। इसको आपको प्रॉपर तरीके से अंदर प्रेस करना है। देखिए, मैंने चारों तरफ से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर का जो कवर है उसको भी एक बार साफ करना करके लेना है। ये यहाँ पे जो एयर फ्लो सेंसर रहता है, ये जो है ना, ये वो अब हम क्या करेंगे, एयर इनलेट पाइप को, पाइप में पहले हमारा वो पाइप डालेंगे और उसके बाद पीछे वाले यहाँ पे लॉक्स रहते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पीछे वाले लॉक्स में हम अभी अटकाएंगे। ये देखो, मैंने पीछे वाले लॉक्स में डाल दिया, मैं अभी देख रहा हूँ पीछे लॉक्स, और इसको हम नीचे दबा के सामने वाले तीनों के तीनों स्क्रूज के होल अलाइन करेंगे, नीचे का होल और ऊपर का होल, और बाद में सेंटर वाला एक स्क्रू हम डालेंगे पहले। ये देखिए, मैं सेंटर वाले में यहाँ पे नहीं जा रहा है इजीली,
तो मैं सेंटर में डाल रहा हूँ। देखिए अभी सेंटर का मैं सेमी टाइट करूंगा, पूरा टाइट नहीं करूंगा, और सेंटर वाला थोड़ा सा टाइट करने के बाद बाकी के स्क्रूज में टाइट करूंगा। अभी आप ये तीनों स्क्रूज टाइट होने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने हमने पहले ही वो क्लिप साइड की क्लिप जो लूज की थी उसको भी हमें टाइट करना है। टाइट करते वक्त आपको रबर पाइप अंदर डालनी है थोड़ी सी, और उसके बाद उस क्लिप के स्क्रू को टाइट करना है ताकि बाहर का धुआं, बाहर की एयर डायरेक्टली अंदर ना जा सके। आपले हेल्प होत नाही तसले आपल्याला ती टाइट करते।